प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो एनर्जी हमें चाहिए होती है एक दिन के अंदर, उसको बोलते हैं डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। वो तीन कामों के अंदर इस्तेमाल होती है, वो एनर्जी BMR को फिजिकल एक्टिविटी के लिए और डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल होती है। इसी के रिलेटेड हम क्लिनिकल को पढ़ लेते हैं, वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है थायराइड हार्मोन T3 T4। जो थायराइड हार्मोन होते हैं उनका काम होता है मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देना, BMR को बढ़ा देना। इसका मतलब अगर हाइपर थायराइडिज्म होगा ग्रेविस डिजीज़ के अंदर, तब हमें थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। तब थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा तो BMR ज़्यादा होगी। BMR ज़्यादा होने के साथ साथ हमें कुछ और साइन सिम्पटम भी देखने को मिल सकती है जो हाइपर थायराइडिज़म को कैटेगराइज करेंगे। वो साइन सिम्पटम क्या क्या होंगे? तो पहली बात, BMR ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, गोइटर होगा। गोइटर क्यों होगा? क्योंकि T3 और T4 यहाँ पे के खिलाफ एक एंटीबॉडीज़ बनती है। वो एंटीबॉडीज़ वैसे ही काम करती है जैसा TSH काम करता होता है। डिजीज़ का नाम क्या है? ग्रेविस डिजीज़। तो यहाँ पे आपको गोइटर देखने को मिलेगा। इसके साथ हमें प्रोट्रूडिंग आइज़ देखने को मिलेगी, नर्वसनेस, क्योंकि थायराइड हार्मोन ने नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा दिया, उनके साइनेप्स की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा दिया। ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा है इस वजह से। पाल्पिटेशन, ये भी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। परस्पिरेशन यानी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, ये भी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से। वेट लॉस इसलिए ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि जो मसल प्रोटीन है उनकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी है, उनकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से वेट लॉस देखने को मिलेगा। दूसरे कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का लेवल कम होगा, BMR कम हो जाएगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। इसका मेन कॉज यही कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसने थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने ये क्या किया, उसने एक्स्ट्राकुलर मसल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से हमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड की एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगी आइस में। इसके साथ साथ वोकल कॉर्ड्स में भी होगी और सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी होगी। ओके, कॉमन सिम्पटम हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं इसके साथ? लिथार्जी, ड्राई स्किन, हस्की वॉइस, मेमोरी का कम हो जाना और वेट गेन। ओके, जो प्रोट्रूडिंग आइज थी यहाँ पे एडिमा हो रहा था, मैंने उल्टा बता दिया। जो एग्जोफ्थाल्मोस होता है प्रोट्रूडिंग एडिमा, वो हाइपरथायरॉयडिज्म में होगा, जबकि म्यूकोपॉलीसेकेराइड की एक्यूमुलेशन वो वोकल कॉर्ड्स में और सबक्यूटेनियस टिश्यू में होगी। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये जो नंबर हम यूज़ करते हैं ये बॉडी वेट को डिटरमिन करने के लिए कि आया कि बॉडी वेट नॉर्मल रेंज में है या फिर ये ओबेसिटी के लेवल में आ जाता है। BMI की डेफिनेशन क्या होगी? वेट kg के अंदर हो और हाइट अगर मीटर में हो, उसको डिवाइड कर दे तो BMI की वैल्यू आ जाएगी, बॉडी मास इंडेक्स। इसकी वैल्यू से हम पता चला सकते हैं कि किसी बंदे का वेट नॉर्मल है, कम है या ज़्यादा है। ये आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, इसी के बेस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर BMI 18.5 से कम होगा तब उसको बोलेंगे अंडर वेट। अगर 18.5 से लेकर 24.99 यानी 25 के आसपास होगा उसको बोलेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल होगा 18.5 से लेकर 24.99। अगर 25 से ज़्यादा होगा BMI तब उसको ओवरवेट बोलेंगे। अगर 25 से लेकर 29.99 के दरमियान होगा उसको बोलेंगे हम प्री ओबीस। प्री का मतलब अभी पहले। अगर ये 30 या 30 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे ओबीस। ओबीस में भी हम डिफरेंट क्लास के अंदर डिवाइड करेंगे। अगर 30 से लेकर 34.99 के दरमियान है उसको बोलेंगे ओबीस क्लास वन। अगर 35 से लेकर 39.99 यानी 40 के आसपास, उसको बोलेंगे क्लास टू। अगर ये 40 या 40 से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे ओबीस क्लास थ्री। जो क्लास थ्री है उसको बोलते हैं मॉर्बिड ओबीस। तो ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ज़रूर रट्टा मारना है। इससे के क्लिनिकल्स देख लेते हैं BMI के। अगर BMI ओबेसिटी में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है, हमने कहा था जो ओबेस होता है उसमें BMI 30 या 30 से ज़्यादा होती है। जो ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी क्या क्या इफेक्ट कॉज कर सकती है, ओबेसिटी की वजह से क्या क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन होगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होगी, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये तीन चीज़ें होगी ओबेसिटी की वजह से। तो टाइप 2 डायबिटीज क्यों हुई? क्योंकि ओबेसिटी में फ्री फैटी एसिड के लेवल काफ़ी ज़्यादा है। फ्री फैटी एसिड ने इंसुलिन के सिग्नलिंग को ख़राब कर दिया, इंसुलिन अपना काम टिश्यू पर नहीं कर सकेगी। इंसुलिन की प्रोडक्शन नॉर्मल होगी या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही। ब्लड ग्लूकोज लेवल जिसको कम करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। इंसुलिन की सिक्रेशन ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो इंसुलिन किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही। टिश्यू की सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है या फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तीसरा डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा।
पहला था ओबेसिटी, दूसरा टाइप टू डायबिटीज, और तीसरा होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना, ओके। एपिटाइट लॉस, नर्वोसा का मतलब नर्वसनेस, कि अगर वो वुमेन जो इस में रहती है कि इस परेशानी में रहती है कि अगर वो खाना खाएगी तो उनका वेट बढ़ जाएगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ इंड्यूस वेट लॉस, के खुद ही अपनी वजह से वेट लॉस करवा दिया। तो ये उन वुमेन में होगा जो ये कहती है कि हम मोटी हो रही है, ये बिहेवियर प्रॉब्लम है। दूसरा होगा बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया में ये होगा कि वो ओवर ईटिंग के बिंजेस, यानी ज़्यादा ओवर ईट कर लेंगे लेकिन इसके बाद वॉमिटिंग कर देंगे इस खौफ से कि उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। दोनों ही कंडीशन में हमें वेट लॉस देखने को मिल रहा है, हाँ इसमें वेट गेन थोड़ा बहुत हो भी सकता है बुलिमिया नर्वोसा में। तो ये था क्लिनिकल। इसके डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, फैट की जो इंटेक होती है टोटल कैलोरी 20 से लेकर 35% के दरमियान दरमियान होनी चाहिए फैट की। इसमें से अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है उनकी रिक्वायरमेंट 10% या इससे भी कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉज बनते हैं। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल की इंटेक 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर सॉरी पर डे से कम होनी चाहिए। किन के लिए? हेल्थी इंडिविजुअल के लिए, या फिर ऐसे इंडिविजुअल जिसके एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुकी है उनमें 200 मिलीग्राम पर डे इससे कम होने चाहिए। तीसरी, इसेंशियल फैटी एसिड जिसमें लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड। लिनोलिक एसिड ओमेगा 6 है, ये ओमेगा 3। ये जो फैटी एसिड होते हैं ये इकोसिनाइड्स बनाते हैं। इकोसिनाइड्स के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन आते होते हैं। ये कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसेंशियल फैटी एसिड फिश ऑयल के अंदर ज़्यादा होते हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन, क्योंकि लिपिड्स तो हो गया। जो प्रोटीन की इंटेक होती है रेकोमेंडेड इंटेक, वो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें लेनी चाहिए 0.8। फॉर एग्जांपल अगर किसी का होता है 50 तो उसको लेनी चाहिए 40 ग्राम पर डे, ओके प्रोटीन। अब प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन वो हाई क्वालिटी की है या लो क्वालिटी की है, तो प्रोटीन को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, हाई क्वालिटी प्रोटीन, लो क्वालिटी प्रोटीन। प्रोटीन में अमाइनो एसिड हो गए, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होगी। अमाइनो एसिड्स दो कैटेगरी के होते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इनको डाइट में होना चाहिए। तो फिर ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन। तो हाई क्वालिटी प्रोटीन के अंदर हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो लो प्रोटीन या सॉरी लो क्वालिटी प्रोटीन होती है इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी? वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स लेते हैं ये लो क्वालिटी की होती है। और हाई क्वालिटी की क्या होगी? चिकन हो गया, मीट होगा, फिश प्रोडक्ट या फिर ड्राई बीन्स, ये इसकी एग्जांपल है हाई क्वालिटी प्रोटीन की, ओके। अब हम देख लेते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड आपको बताया था 20 इन नंबर होते हैं, इसमें से 8 यहाँ पे लिखा हुआ 9, लेकिन इसमें से 8 ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, 2 ऐसे होते हैं जो सेमी एसेंशियल है। सेमी एसेंशियल में एग्जांपल आएगी हिस्टिडीन की और आर्जिनिन की। ये दो अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसके साथ साथ ये बॉडी बॉडी इनको बना भी सकती है। इनकी मेटाबॉलिज्म हमने सेपरेट वीडियो में कवर कर लिया है अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस में, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये था एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब हम देख रहे हैं नाइट्रोजन बैलेंस। बैलेंस का मतलब जितनी नाइट्रोजन हमने इनटेक की प्रोटीन के फॉर्म में उतनी ही नाइट्रोजन एक्सक्रीट होगी, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन बैलेंस। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोजन बैलेंस। जो डाइट्री प्रोटीन होती है इसके अंदर कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो ये एमसीक्यूज में आता है 16% नाइट्रोजन होता है डाइट्री प्रोटीन के अंदर, 16% नाइट्रोजन। प्रोटीन ही बेसिकली जो नाइट्रोजन का सोर्स होती है। प्रोटीन कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में बनती है, कंटिन्यूसली टूटती रहती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब कंटिन्यूसली प्रोटीन का टूटना और इसी टूटी हुई प्रोटीन का नई प्रोटीन से रिप्लेस हो जाना, इसको बोलते हैं नॉर्मल टर्नओवर, ओके। और जब अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन से हमें दो चीज़ें मिलती है, पहला नाइट्रोजन और दूसरा इनके कार्बन स्केलेटन, जिसको हम कीटो एसिड बोलते हैं। वो कार्बन स्केलेटन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसका जो नाइट्रोजन होगा वो यूरिया में कन्वर्ट होगा। यूरिया में कैसे कन्वर्ट होगा? एक साइकिल के थ्रू, उसको बोलते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया में कन्वर्ट हो जाने के बाद किडनी के पास भेजा जाएगा, किडनी इसको क्या करेगी? यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करा देगी। तो पहला जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड या नाइट्रोजिनस कंपाउंड था वो यूरिया, जबकि दूसरे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं
और वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट भी होते हैं। उनकी एग्जाम्पल क्या क्या होगी? यूरिक एसिड, केराटिनिन, अमोनियम, अमोनियम, केराटिनिन और यूरिक एसिड। अब यहाँ पे तीन कंडीशन हमें देखने को मिलती है, नाइट्रोजन बैलेंस, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। सिंपल नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब जितनी नाइट्रोजन हमने प्रोटीन के फॉर्म में इनटेक किया उतनी ही नाइट्रोजन यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो गई है, मतलब जो नाइट्रोजन एक्सक्रीशन थी यूरिन के अंदर वो बराबर हो गई है नाइट्रोजन इनटेक के। ओके, नाइट्रोजन इनटेक हमने किस फॉर्म में की होगी? अमाइनो एसिड के फॉर्म में या फिर प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन होती है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। नेगेटिव का मतलब यह होता है कि जितनी नाइट्रोजन हमने इनटेक किया उससे ज़्यादा नाइट्रोजन यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो गई है। ओके, अब यह होगा क्या, यहाँ पे हो सकता है कि जो बॉडी प्रोटीन की डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक हो गया, या फिर अमाइनो एसिड हमने प्रोटीन के अंदर नहीं, जो अमाइनो एसिड थे प्रोटीन के अंदर वो लो क्वालिटी की है, वो प्रोटीन लो क्वालिटी की है, या फिर हम उसको सही तरह डाइट के अंदर नहीं ले रहे प्रोटीन को। तो इसके तीन कॉज होगी, या तो डिग्रेडेशन ज़्यादा होगी, या फिर लो क्वालिटी के प्रोटीन हमने ली, या फिर तीसरा ये हो सकता है कि वो प्रोटीन हमने इनएडिक्वेट अमाउंट में ली। अगला पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, इसमें ये होगा कि जो जो नाइट्रोजन की इनटेक होगी वो इसके लॉस से रिलेटिवली ज़्यादा होगी। ओके, यानी जो यूरिनरी लॉस होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू इनटेक। ये कब होगा? जब रैपिड ग्रोथ हो रही होगी, न्यू टिश्यू की सिंथेसिस हो रही होगी, तब ये प्रोसेस एक्टिवेट होगा। तो ये था नाइट्रोजन बैलेंस। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए रिलेटिव हम कह सकते हैं कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को बना सकती है अमाइनो एसिड के स्केलेटन से बना सकती होती है। लेकिन हेल्थी डाइट के अंदर टोटल कैलोरी का 45 से लेकर 65% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। फैट से कितना था? 20 से लेकर 35%। प्रोटीन से होता है 10 से लेकर 35%। ओके, लास्ट रिक्वायरमेंट आती है विटामिंस की और मिनरल्स की। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड्स कोफैक्टर के तौर पे काम आ सकते हैं। जो मिनरल्स जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो होते हैं कैल्शियम और फास्फेट। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोन बनानी है। वो मिनरल जो ट्रेस अमाउंट में चाहिए उसमें एग्जांपल आती है आयरन की। आयरन हीम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट प्लाज्मा में होते हैं वो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, प्लाज्मा नहीं बल्कि ओवरऑल बॉडी के जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। ऐसा रिएक्शन जो एटीपी को इस्तेमाल करते हैं, काइनेस एंजाइम, वो मैग्नीशियम को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम एटीपी में जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम होते हैं फॉस्फेट के, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ होता है। ऐसे मिनरल्स जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेस क्वांटिटी में चाहिए उनको ट्रेस मिनरल्स बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल आती है आयोडीन की, सिलीनियम की, कॉपर की, जिंक की, आयरन की। जबकि ऐसे मिनरल जो ट्रेस से भी कम अमाउंट में चाहिए, बहुत ज़्यादा यानी हम कह सकते हैं माइक्रोग्राम में चाहिए, ओके, तो उनको बोलते हैं अल्ट्रा ट्रेस मिनरल्स। इसमें एग्जांपल आती है मैगनीज की, फ्लोरीन की, क्रोमियम की और मोलिब्डेनम की। तो ये था बेसिक ओवरव्यू न्यूट्रिएंट्स का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।